दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रुप पर। दोस्तों, अभी हम मार्च महीने के अंत तक पहुंच गए हैं और आज बारी है हमारे हाइड्रोपोनिक पोली हाउस को विजिट करने की और साथ में देखने की कि गर्मी बढ़ने से हमारे पोली हाउस की हालत क्या हो गई है। तो आइए अंदर चल कर देखते हैं कि इन गर्मी में हमारे पौधों की हालत क्या हो रही है। तो दोस्तों, आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या हालत है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, शुरू में ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पौधे अभी सूखने शुरू हो गए हैं। और हाइड्रोपोनिक की एक लिमिटेशन है, जब हम खुले में करते हैं कि जैसे ही तापमान बढ़ता है पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे गोभी और फूलगोभी के पौधे काफ़ी हद तक सूखने शुरू हो गए हैं। बैंगन के पौधे में नई फुटान आई है, तो बैंगन के पौधे कुछ हद तक बचेंगे, पर गोभी और फूलगोभी लगभग ख़त्म हो गई है। मिर्ची के पौधे में भी अभी जान है, नई फुटान और फ्लावरिंग हो रही है, पर काफ़ी सारे पत्ते इसके भी सूखे हुए हैं। इसके बाद टमाटर में हमारे टमाटर अभी पकना शुरू हो गए हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, पर इसकी जो ऊपर वाली फुटान है वो सारी अभी सूखनी शुरू हो गई है। तो टमाटर भी हमारे अभी ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। सो नॉर्मली हाइड्रोपोनिक में गर्मियों में हम जो वाटर कल्चर सिस्टम है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं तो इन ग्रोबेड में कर सकते हैं। दोस्तों, इन ग्रोबेड में आप देख सकते हैं कोकोपीट वाले ग्रोबेड जो है उसमें भी जो हमने आलू किया था वो अभी तैयार हो गया है, इसकी अभी खुदाई करनी है। और हमने आगे जो खरबूजा और तरबूज लगाया है उसकी बेलों की मंडप भी तैयार कर दिए, उसको ऊपर बढ़ाएंगे। ये वाली सिस्टम हमारी अभी भी खाली है। और ये जो हमारी चल रही थी उसमें भी आप देख सकते हो कि पानी में गर्मी बढ़ने के साथ पौधे झुलस गए हैं और मर गए हैं। तो इसको अभी सबको हम खाली करके साफ करके रख देंगे और जब बारिश का महीना आएगा तब इसको चालू करेंगे। ये जो वर्टिकल टावर है उसमें भी आलू अभी सूख गए हैं, जिसकी हमें अभी खुदाई कर लेनी पड़ेगी। ये करीब 3 महीना चले हैं, तो हमें इसमें से छोटे साइज़ के आलू मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों, ये जो सिस्टम है हमारी मीडिया बकेट्स, मीडिया बकेट में आप देख सकते हैं कि नए पौधे अभी निकले हुए हैं और कुछ हद तक जमे हुए हैं। मीडिया बकेट कुछ हद तक गर्मी को झेल सकती है, तो इसमें हम कुछ नई प्लांटेशन करेंगे, जिसमें हमने अंदर ऑलरेडी खरबूजा और तरबूज लगाना शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि बेलें अभी निकलनी शुरू हो गई है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट में ये जो ग्रोबेड है जिसमें हमने खरबूजा और तरबूज लगाया है, इसकी अभी हमने मंडप तैयार कर लिया वर्टिकल और इसमें चढ़ाना शुरू कर दिया है। अब इसमें खाद का प्रबंधन करने वाले हैं, जिसकी वीडियो में कुछ ही दिन में आपको अपडेट करके दूंगा। इसी तरह ये भी जो पौधे हमने नर्सरी में उगाए इसको हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे। और इन ग्रोबेड में हम अभी भिंडी, ग्वारफली, चौली, इस तरह की सब सब्जियां लगाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा हाल अभी जो हमारा हाइड्रोपोनिक पोली हाउस उसका। ये पोली हाउस को भी हम अप्रैल, मई और जून तक ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मियों के महीने में पानी वाली एक भी सिस्टम नहीं चलती है। जून के बाद जब बारिश की मौसम आएगी, बादल आएंगे, थोड़ा सा ठंडक हो जाएगा, तब इसको हम फिर से चालू करेंगे और उस टाइम आपको मैं सारी अपडेट दूंगा। पर अभी के लिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम में इतना ही। हैप्पी ग्रोइंग।